सरदार जी, सरदार जी, मैं कुछ कहना सी। कहो। कल जड़ा तुसी मैनु सवाल पाया सी, मैं उदा जवाब देना आई हां। रहनी दे जवाब नु भाई, पता ही है जवाब दा ता, जवाब ही होना। मैनु पता है, मैं तुहानु सारयां नु बहुत परेशान कीता। देख ला भाई, जे कसर रहंदी है होर कर ला। मेरी गल ता सुन लो। सुना। जो गल मैं करना ही है वैसे ही गल सियाने करदे हुंदे ने। बारों गली चो कोई सियाना फड़ लिया गल करन। जे मेरे घर च कोई सियाना गल करन वाला हुंदा ता मैनु गलियां च सियाने लब्भण दी लोड़ नहीं सी। देख, मैनु बहुता जज्बाती ना कर, काम दी गल कर। काम दी गल ए आ वी मैं तुहाडे नाल व्याह दी गल करन आई हां। व्याह दी गल ता कल मैं ते कुक्कू वी करना आए सी, जे तू हां करनी हुंदी कल ही कर दिंदी। जिहदे नाल बीबा जी तू व्याह करवाउणा चाहुंदी आ ना, ओ ऑलरेडी व्याहया होया ते इक बच्चे दा बाप भी आ। मैनू लगदा तुसी गलत समझ गए, मेरी अख राजवीर ते नहीं आ। ओ ता मैनू पता, अख ता तेरी राजवीर दी प्रॉपर्टी ते आ, पर जद तक मैं जिउणा साडे घर दी प्रॉपर्टी तक ही, तैनू मैं ग्रीन टी वी नसीब नहीं होण दंदा। ना मैनू ग्रीन टी दा शौक है, ना दुध पत्ती दा, ए गरीबणी तक सम्हैली जी चाह नाल गुजारा करन वाली है। हुण राजवीर दी थां ते होर केड़ा कसमैला लभिया। मैं मेरे ते भोले दे व्याह दी गल कर रही हां। भोले नाल व्याह कराउण दी गल कर रही हां? ओ साला भोले ही छा गया ओए, पक्का? हां जी पक्का। हुण मुकरेगी ता नहीं? जे मैं मुकरना ही हुंदा ता तुहाडे तो सोचण लई इन्ना टाइम क्यों मंगदी? इहदा मतलब फैसला पक्का करके आई हां। रज्जो, अज तू सच्ची मेरे मन दा बोझ हौला करता। हुण ता खुश हो ना? खुश क्यों नहीं होऊंगा, राजवीर दी मां फ्रेमे तो जो बच गई। ओ किवें? अज जे किते भोले दी थां ते तू राजवीर दा नाम लै देंदी, उहनूं तां विचारी नूं उपर बैठे नूं दूजी वारी पानी वार के पीना पै जाणा सी। सरदार जी, तुसीं तां बड़े शुगली हो। मैं कल्ला ही शुगली नहीं, साडा सारा खानदान ही शुगली मुगली आ। इह वक्खरी गल्ल आ, कदे कदे साली चावला मार दिंदे आ। हां जी, मैं हुणे कुक्कू नाल गल करदा। थैंक यू बच्चे। कुक्कू 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 समझ ला, अपना एक घर बच गया ते एक वसन लग्या। जीजा जी बुझारतां जी ना पाई जाओ, सीधी सीधी गल दसो। ता सीधी सीधी गल सुन रज्जो, अज मेरे कमरे च सीधी ए आ गई। जीजा जी, तुसी इस उम्रे व्याह करवाउण बारे सोचण तों पहले ए नहीं सोचिया के उत्ते बैठी मेरी भैण की सोचदी होऊगी? यही सोचदी होनी है के मैं एडी दूर चल के रब कोल पहुंच गई, पर मेरे मोटे वीर दा मोटा दिमाग उत्थे दा उत्थे ही आ, पूरा भी मूवमेंट नहीं हुई उच। जीजा जी, कदे कदे मैं सोचदा कि यमदूत मेरी भैण नूं लैके जाण दी बजाय मैनूं क्यों नहीं लै गया। बेटे, ओह साइकिल ते आया सी, ओह 911 ते नहीं आया सी, कहिंदा तैनूं टोचन पाके लै जांदा। जीजा जी, थोड़ी जानकारी लई दसदा कि यमदूत साइकिल ते नहीं झोटे ते आउंदा हुंदा। बेटे, फिर झोटे ते झोटा नहीं ना जा सकदा, साला होर ही पासे गल नूं लै वड़दा। मैं कहिए ना रज्जो, मेरे कमरे च अपने दे भोले दे व्याह दी गल करना ही सी। फिर ऐ दसो ना। सर, दसण देंगा तां दसूंगा, पहले ही लखन लाउणा शुरू कर दंदा। ए तां बड़ी खुशी दी गल आ। ओ तां है, मैं अंग्रेजी च कही सी। फिर बह के करदे आ। अग तां बैठण दी लगी आ, बह जा। जीजा जी, इहनूं कहिंदे आ कि जद गरीब दी किस्मत जागदी आ तां सुत्ते पए दी जाग जांदी आ। ओ कहड़े पासिओं गरीब आ ओए, हर गल तां लख लख दी तां उहनूं लाहणत पैंदी आ। जीजा जी, कुछ भी कहो, उहदे तो फिल्म दी कहानी भावें इक ना वधिया लिखी गई होवे, पर रब ने उहदी जिंदगी दी कहानी बहुत वधिया लिख के भेजी है। इस तो पहला कहानी विच कोई ट्विस्ट आवे, तू उहनूं वधाईयां दे ते मैं भज के गुरु घर मत्था टेकिया। जीजा जी, अचानक इन्नी खुशी दी खबर सुन के उहनूं कितें अटैक ना आ जाए, मैं इह शुभ समाचार उहनूं बह के दिंदा। बह के दई, खड़ के ना दई, कितें तेरा आंडा तड़क जे, साला शुतर मुर्ग जिहा।